हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सस्त्याकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और यहाँ पे मैं और सुमित, हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फिलहाल दोस्तों, अभी शाम का 7 बज रहा है और आज का ब्लॉग मैं शाम को 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना कि अब जब हमारा फ्लैट सेट हो गया है और हम फ्री हो गए हैं, तो क्यों ना आज का आपको शाम का ब्लॉग दिखाया जाए। आज का मेरा शाम का रूटीन क्या है, मैं शाम को क्या कर रही हूँ, ये सारे मोमेंट आपके साथ शेयर की जाए। तो फिलहाल अभी ये हमारी शाम की चाय है, ये हमारी दूसरी वाली चाय है। सबसे पहले तो एक चाय हमने 5:30 पे पी थी, और चाय पीने के बाद मैं और सुमित चले गए थे, हमारे घर के पास में ही है स्टार बाज़ार। तो मैं और सुमित चले गए थे स्टार बाज़ार, थोड़ा घूम फिर के टहल के आए, थोड़ी बहुत हरी सब्जी लेकर आए। और रास्ते में हमने यहाँ की फेमस है महाराष्ट्र की येवले होता है ना, येवले चाय, येवले अमृततुल्य चाह, यहाँ की फेमस है। और सच्ची बताऊँ, ऐसी चाय जो स्वाद उस चाय में रहता है ना, वो आप कितनी भी कोशिश कर लो वैसा टेस्ट ना तो घर में आ सकता है। तो फिलहाल हम लोग बाहर से येवले चाय भी पीकर आए थे, और चाय पीने के बाद अभी हम लोग बस थोड़ी देर पहले ही घर आए हैं। तो फिलहाल अभी सुमित का ऑफिस भी स्टार्ट हो चुका है, तो सुमित को ऑफिस जाना था आज, और ऑफिस की पूरी तैयारी भी हो गई थी। मैंने सुमित के लिए खाना वगैरह भी बनाकर रेडी कर दिया था, कपड़े भी निकाल दिए थे, बस कपड़ा आयरन करना बाकी था। सोचा था कि बाहर से आएंगे उसके बाद कपड़े आयरन कर लेंगे, बट अभी बाहर का मौसम बहुत बिगड़ चुका है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। 2-3 दिनों से यहाँ पे गाइस कंटिन्यू बारिश हो रही है, कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है और कभी भी बंद हो जाती है। तो फिलहाल अभी भी मौसम ख़राब हो गया है, बाहर का खूब तेज़ी से हवा चलने लगी है और बाहर जो है फिर से बूंदाबांदी और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल सुमित जो है, ये देखिए पीछे सुमित का जो ऑफिस है, जो काम है, वो चालू है, और सुमित बारिश के थमने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी सुमित निकलेंगे तुरंत ऑफिस के लिए। तो फिलहाल मैंने सुमित के लिए जो खाना है वो तो रेडी ही कर दिया है, तो मुझे कोई हेडेक नहीं है कि मुझे खाना बनाना है शाम का। फिलहाल मुझे अभी सुमित के कपड़े आयरन करने हैं, तो मैं फिलहाल सुमित के कपड़े, चाय पीने के बाद सुमित के कपड़े आयरन करके रख दूँगी। तो फिलहाल अभी तो पहले पी लेते हैं सुकून भरी चाय। तो फिलहाल अभी मेरी चाय तो हो चुकी है ख़त्म, और किचन के भी मैंने लगभग काम अपने निपटा ही लिए हैं। जो सब्जी लेकर मैं आई थी वो सब्जी भी मैंने सारी अपने फ्रिज में लगा दी है, साफ करके अच्छे से सब्जी भी मैंने फ्रिज में लगा दी है। और आज ये देखिए, हम लोग गए थे बाहर ऐसे घूमने फिरने गए थे, तो वहाँ पे हमें बूंदी के लड्डू दिखे, और सुमित को पीली बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, तो आज हमें मार्केट से लड्डू लेकर आए। और खाने में इनका टेस्ट सच्ची बताओ ऑसम है, एक नंबर, बहुत टेस्टी है। और साथ में सब्जी वगैरह लेके आए थे, हरा धनिया, तो फिलहाल ये सब्जी जो धुलने वाली थी वो धुल के मैंने रख दी है। तो फिलहाल अभी किचन का तो काम मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है, तो चलिए चलते हैं, पहले मैं सुमित के ऑफिस के लिए जो कपड़े हैं वो रेडी करके रख देती हूँ, उसके आगे फिर देखती हूँ कि मेरा कौन सा काम ऐसा बाकी पड़ा हुआ है जो कि मैंने किया नहीं है पेंडिंग में, तो उसके बाद फिर वो काम अपना निपटाएंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो चलिए फटाफट पहले कपड़े आयरन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने सुमित के कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं, अभी मेरा थोड़ा सा काम यहाँ हॉल में पड़ा हुआ है, लाइट ऑन कर लेती हूँ पहले, अंधेरा लग रहा है। मैं सारे घर की लाइट ऑन करके नहीं रखती हर वक्त, किचन की लाइट जला लेती हूँ, तो इधर हॉल में भी रोशनी रहती है और उधर रूम की लाइट जलती है, तो पूरे में रोशनी दिखती है। तो फिलहाल अभी देखिए, दोपहर में मैंने जो कपड़े धुले थे वो धुल के बालकनी में सूखने को डाले थे, तो फिलहाल कपड़े भी मेरे सूख गए हैं, तो चल पहले मैं ये कपड़े अपने फोल्ड करके इनको भी अलमारी में प्रॉपर लगा देती हूँ।
मेरे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, तो मैं अपने जो कपड़े होते हैं वो अलग सारे फोल्ड करती हूँ और सुमित के कपड़े अलग फोल्ड करती हूँ। तो जो हमारे रेगुलर पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, उनको मैं अलग अलमारी में रखती हूँ और बाहर आने जाने वाले कपड़े मैं अलग अलमारी में रखती हूँ। तो ये देखिए पीछे हमारे पास है ये फोल्डिंग अलमारी, इसको हम किसी भी शेप में बना लेते हैं, लंबी चौड़ी है, जो आप शेप देना चाहो ये उस शेप में अलमारी बन जाती है। और कहीं आपको जाना हो, कुछ शिफ्टिंग करनी हो, तो छोटे से बॉक्स में आ जाती है। फिलहाल ये अलमारी बहुत अच्छी है। तो फिलहाल चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें कई सारे बॉक्सेस हैं, तो मैं हर बॉक्स में सारा सामान अलग अलग रखती हूँ। तो फिलहाल जो ये ऊपर का पोर्शन है, इसमें मैं सारे सुमित के कपड़े रखती हूँ, सुमित के जो रेगुलर पहनने वाले लोअर, टी शर्ट, पैंट, शर्ट्स जो भी रेगुलर में यूज़ आती हैं आने जाने में, वो मैं ऊपर रखती हूँ। और जो नीचे वाली अलमारी है, इसमें मैं सारे अपने कपड़े रखती हूँ। मैं अपने और सुमित के दोनों के कपड़े अलग अलग रखती हूँ, ताकि जब हमें ज़रूरत हो नहाने के बाद, या जब भी हमें चाहिए हो, मान लो मेरे पास टाइम ना हो, सुमित को ही नहाने के बाद कपड़े ढूंढने पड़े, तो सुमित को कपड़े आसानी से मिल जाए, मुझे देने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं अलमारी में सारी चीज़ें अलग अलग करके रखती हूँ। एक पार्ट में मैं सारे सुमित के कपड़े रखती हूँ, एक पार्ट में मैं सारे अपने कपड़े रखती हूँ, और एक पार्ट में जो हैंकी, सॉक्स वगैरह, और ये सुमित के जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, मैं ये सारे रखती हूँ। तो फिलहाल ये तो हुए मेरे कपड़े। मैंने अपने ये कपड़े फोल्ड करके अलमारी में लगाने का भी काम ख़त्म कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं रेगुलर कपड़े सुखाने के बाद फोल्ड करके फिर उनको अलमारी में ऐसे ही लगा देती हूँ, ताकि मेरा जो है पूरे कपड़े भी अच्छे से सिमटे हुए, ताकि कपड़े भी जो है अच्छे से अलमारी में लगे रहें, और हमें जब ज़रूरत हो तो हमें अपनी जगह पे कपड़े भी मिल जाएं, हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, और हर चीज़ सलीके से अपनी जगह पर लगी रहे। तो फिलहाल जो रेगुलर रूटीन के कपड़े थे वो मैंने सुमित के इस अलमारी में रख दिए हैं। अब ये कपड़े हैं सुमित के जो बाहर ऑफिस वगैरह जाने के लिए काम आते हैं, तो इन कपड़ों को मैं रखती हूँ अपने सामने इस अलमारी में। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कपड़ों के लिए दोनों अलमारियाँ अलग अलग यूज़ करती हूँ, रेगुलर वाले अलग और बाहर आने जाने वाले अलग। तो फिलहाल कपड़े भी फोल्ड करके मैंने अलमारी में अच्छे से लगा दिए हैं। अब इसके बाद बचता है मेरा, ये कपड़े तो मैं अभी इसमें लगा दूंगी, और इसके बाद बचता है मेरा किचन का काम। तो किचन में थोड़ा सा काम पेंडिंग है, जो कि चीज़ें बाहर हैं उनको फ्रिज में रखनी है। तो पहले मैं सुमित के कपड़े अलमारी में रख देती हूँ, फिर चलते हैं किचन में। तो चलिए अभी हम लोग आ गए हैं अपनी किचन में। तो फिलहाल पीछे आप देख सकते हैं, ये मेरी किचन है, और मैं अपनी किचन हमेशा ही साफ़ सुथरी चमका के रखती हूँ। मैं अपनी किचन में काम किसी भी टाइम करूँ, खाना किसी भी टाइम बनाऊँ या कुछ भी करूँ, मैं तुरंत के तुरंत काम करती हूँ, तुरंत के तुरंत किचन की सफाई कर देती हूँ, बाद के लिए नहीं छोड़ती कुछ की। खाना बना के रख दिया, बर्तन बाद में धुल लेंगे, रोटियाँ सेक ली, गैस बाद में साफ़ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुरंत काम करती हूँ, तुरंत किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना गंदा घर, गंदी किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता हुआ ही चाहिए होता है, और इसके लिए कि मैं सुमित को भी कोई भी गंदगी फैलाने नहीं देती। फिलहाल सुमित भी जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहीं रखते हैं, क्योंकि पता है कि अगर घर में गंदगी दिखती तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो फिलहाल सुमित भी घर में साफ़ सफाई का खास ख्याल रखते हैं। तो फिलहाल किचन तो मेरी साफ़ सुथरी है बिल्कुल, मुझे ऐसा कुछ काम नहीं करना है। और अब ये देखिए, ये है अंकुरित मूंग, मैंने देख सकते हैं आप, ये मूंग है और चने, तो ये मैंने कल रात में भिगो दिया था, और आज मैंने इनको प्रॉपर अच्छे से ढक कर रख दिया है, ताकि इसमें अंकुर निकल आए सुबह के नाश्ते के लिए। सुमित को सुबह नाश्ते में ये अंकुरित चना और मूंग, और इसमें अगर फ्रूट्स है तो फ्रूट्स कटे हुए, और टमाटो और धनिया, हरी पत्ती धनिया की, और जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन जो भी है, सब मिक्स करके बिल्कुल फ्रूट चाट जैसा बना के खाना सुमित को बहुत पसंद है। तो सुमित कानपुर में मम्मी सुमित को बना बना कर दिया करती थी ये सब चीज़ें खाने के लिए, और खाना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिलहाल ये मैंने सुमित के लिए पूरा तैयार करके रखा हुआ है, और इसमें अच्छे से मूंग में अंकुर भी निकल आए हैं। आप देख सकते हैं मूंग में अच्छे से अंकुर निकल आए हैं, और चने में अभी थोड़े थोड़े से स्टार्टिंग हो रही है। तो फिलहाल अभी तो ये अच्छे से हो गया है, लेकिन इसको मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ,
क्योंकि बाहर क्या है ना, रखने से हल्की हल्की सी थोड़ी थोड़ी सी महक आने लगती है, अजीब सी, तो वो स्मेल ना आए तो मैं इसको ढककर फ्रिज में रख दूंगी। तो चने में जो बाकी कसर रह गई है अंकुर की, तो फ्रिज में रखने से भी निकल आएगी। तो फिलहाल अभी इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फिर मॉर्निंग में बाहर निकाल कर रख दूंगी। और सुमित को मॉर्निंग में मैं ये अंकुरित चने और मूंग, एप्पल, बनाना और इसमें खीरा कटा हुआ, टमाटो, यही सब मैं नाश्ते में देती हूँ और सुमित को यही सब पसंद भी आता है। तो फिलहाल ये नाश्ता जो है, मॉर्निंग का जो नाश्ता है, इसकी तैयारी मैंने सुमित के लिए सुबह के लिए करके रख दी है, ताकि मॉर्निंग में बस मुझे उठ के जो है पूरा अपना घर का क्लीनिंग का काम खत्म करने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। नहाने के बाद पूजा करने के बाद ही मेरा जो है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है। तो फिलहाल सारा काम खत्म करने के बाद, ताकि मुझे ज़्यादा तैयारी ना करनी पड़े, बस मुझे इसमें हरी पत्ती धनिया डालनी रहे और कुकम्बर और जो भी चीज़ें मुझे इसमें मिक्स करने हैं, जो भी आइटम वो मिक्स करके फटाफट मैं इसे खाने के लिए रेडी कर दूँ। तो फिलहाल ये तो मेरा हुआ किचन का काम। किचन का भी काम मैंने फिनिश कर लिया अपना, और जितने भी आज के मेरे शाम के काम थे वो मैंने सारे खत्म कर लिए हैं। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। अभी तो फिलहाल बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई है और अभी चले देखते हैं, सुमित भी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सुमित को भी मैं खाना खिला देती हूँ। देखते हैं, कभी कभी सुमित ऐसा भी होता है कि खाना खाकर नहीं जाते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का शाम को नाश्ता हो जाता है तो खाना खाकर नहीं निकलते। तो फिलहाल चलिए, अभी सुमित ऑफिस निकलने की तैयारी कर रहे हैं, अपना बैग वगैरह रेडी कर रहे हैं, तो मैं सुमित की हेल्प कर देती हूँ और सुमित के लिए मैं खाना वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे अपना भी वीडियो एडिटिंग का काम जारी रखना है, उसमें भी अभी वर्क करना है। तो फिलहाल सुमित के ऑफिस जाने के बाद फिर मैं 1-2 घंटे बैठ के अपना वीडियो एडिटिंग का भी काम करती हूँ, अपना ब्लॉग रेडी करती हूँ। तो फिलहाल चलिए, अभी अभी मेरा काम तो हो चुका है ख़त्म, अब मैं फिलहाल सुमित की थोड़ी सी तैयारी करवा देती हूँ। कपड़े वगैरह रेडी हैं और भी चीज़ें हैं जो सुमित को प्रॉपर चीज़ें टाइम से और जगह पे दे देती हूँ, ताकि इनका घर में कुछ हैंकी वगैरह कुछ छूटे ना। तो फिलहाल चलिए, अभी सुमित की तैयारी करवाते हैं। एंड गाइस, ये तो था मेरा आज का शाम का रूटीन जो कि मैंने आपको दिखाया, जो कि कोई खास रूटीन आज ज़्यादा था नहीं, बस नॉर्मल सा ही था। बस मैं बाहर से टहल के आई तो मैंने सोचा क्यों ना, खाली बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना शाम का जो मैं कर रही हूँ, जो भी मेरा आज का रूटीन है, आपके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि मुझे अभी तो बिल्कुल फैमिली जैसा हो गया है, मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। तो फिलहाल इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो भी कर रहे हैं आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए अपना शाम का रूटीन। तो फिलहाल चलिए, आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। गाइस, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे वीडियो के लिए क्या अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है और क्या अच्छा वीडियो में मैं और कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।